हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता खत्री एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। सो रिसेंटली मैंने मीशो के बहुत सारे जो आउटफिट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। कुछ ज्वेलरी भी मैंने शेयर की है थ्रू शॉर्ट्स, तो आप ज़रूर देखिएगा। कुछ तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स मुझे लगे और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। बट मीशो के साथ मैं ये डेफिनेटली कहूँगी कि इसमें थोड़ा सा वो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कभी तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा आ जाता है, कभी बिल्कुल ही खराब आ जाता है, कभी ठीक ठाक आता है। सो मीशो एक ऐसी ऐप है जिसमें आप मुझे ऐसा लगता है कि रेफरेंस के थ्रू अगर आप शॉपिंग करोगे तो बेटर होगा। सो जिसे भी आप फॉलो करते हो उनकी शॉपिंग रिकमेंडेशन से आप शॉप करो तो वो बेटर होगा। और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर स्पेसिफिकली पूछिए कि इसकी क्वालिटी कितनी है या कैसी है या वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव, और उसके बाद ही आप शॉप करिए, तभी आप अच्छे प्रोडक्ट्स ले पाओगे मीशो से। सो मीशो से मैंने रिसेंटली काफ़ी सारी, जैसे मैंने बताया, शॉपिंग की है, और मुझे लगा कि वो सारी शॉपिंग शॉर्ट्स के थ्रू तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, और उन सबके लिंक जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में है, और तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगा कि एक लेंथ वाला वीडियो जो होता है, लॉन्ग वीडियो, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अब से जब भी मैं कोई भी शॉपिंग करूंगी मीशो की, तो पूरी वीक की जो भी शॉपिंग होगी वो मैं एक लॉन्ग वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि मैं उन प्रोडक्ट्स के अच्छे और करेक्ट फीडबैक्स आपको दे पाऊँ। सो आज का जो हॉल वीडियो है वो है मीशो वेस्टर्न वेयर हॉल वीडियो। जितनी भी मैंने अभी लास्ट वीक से अभी तक शॉपिंग की है मीशो से वेस्टर्न वेयर की, उसका मैं आपके साथ पूरा डिटेल शेयर करूंगी। और इसके पहले मैंने कुछ शॉपिंग की है वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करी हूँ, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर किया है। बट उनमें से मैं बता दूं आपको, एक जंप सूट था जो कि बहुत ही अमेजिंग ब्लैक कलर का जंप सूट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो अगर आपको जंप सूट लेना है। थोड़ी सी मुझे बस लेंथ कम लगी, मेरी हाइट जो है वो 5'6" है, तो कीपिंग दैट इन माइंड कि मुझे इसकी लेंथ थोड़ी सी कम लगी है। इसके अलावा मैंने दो सीक्वेंस की ड्रेसेस आपके साथ शेयर की थी, एक ब्लू कलर में और एक ब्लैक कलर में। दोनों की क्वालिटी, कीपिंग इन माइंड द प्राइस रेंज इन विच आई हैव गॉट दीज टू प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो वो दोनों भी आप कंसिडर कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी लास्ट वीक से जो भी मैंने शॉपिंग की है वो पूरी शॉपिंग आपके साथ। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी मेरे फेवरेट प्रोडक्ट से, जो कि है एक प्लीटेड मल्टी कलर स्कर्ट। ओ माय गॉड, इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सकता है। सो मैं हर एक प्रोडक्ट को 10 की रेटिंग दूंगी, 10 में से रेटिंग दूंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि आपको लेना है ये प्रोडक्ट या नहीं। इस प्रोडक्ट को मैं 10 में से 10 रेटिंग दूंगी। सो ये है वो मल्टी कलर्ड प्लीटेड स्कर्ट। सबसे पहले मैं बात करूँ कि ये इलास्टिकेटेड है। सो इलास्टिकेटेड होने के कारण होता यह है कि कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, उसके साथ ही साथ ये इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, प्लीट्स बहुत अच्छी तरीके से दी हुई हैं और लेंथ बहुत अच्छी है। इसमें कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके कारण मैं कहूँ कि ये स्कर्ट आप नहीं ले सकते हो। और इसमें दो तीन कलर्स ऑप्शन भी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगी, तो अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए, दूसरा कोई कलर चाहिए, तो वो भी आप इसमें से पिक कर सकते हो। और मीशो में होता है ये कि आप एक तो आपका जो प्राइस जो कोटेड प्राइस होता है, उसके अलावा अगर आप उसी समय पेमेंट करके प्रोडक्ट ले रहे हो तो कुछ कैश डिस्काउंट भी वो लोग देते हैं। अगर वो कैश डिस्काउंट में कंसिडर करूँ तो उसके बाद ये स्कर्ट मुझे पड़ी है 310 रुपीज़। दैट्स इट, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, आपको ज़रूर ये रखना चाहिए। एक तो ये मल्टी कलर्ड है ना, तो इसके साथ बहुत सारे टॉप आप पहन सकते हो, आप ब्लैक पहन सकते हो, इसमें व्हाइट डाल सकते हो, ग्रीन है, पिंक है, इसमें रेड डाल सकते हो या मरून डाल सकते हो, इस तरह से बहुत सारे शेड्स के जो टॉप वेयर हैं वो इनके इसके साथ आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो। और इसके साथ जो मैंने टॉप पहना है उसका भी मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगी, वो मैंने मीशो से नहीं लिया है, बट मैं उसका लिंक जरूर शेयर करूंगी। और ये जो है ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है मेरे साइड से। अब जो नेक्स्ट ड्रेस मैं शेयर कर रही हूँ वो है एक बॉडीकॉन ड्रेस, जिसमें बहुत सारे कलर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये मुझे सिर्फ पड़ी है 194 रुपीज़ में। और इसका जो मटेरियल है ये बिल्कुल सॉफ्ट सा मटेरियल है, बिल्कुल ही सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट, जैसे मुझे देखने पे लग रहा था कि थोड़ा सा थिक मटेरियल होगा, थिक नहीं है बहुत ज़्यादा, बट सी थ्रू भी नहीं है, मतलब ये जो हल्का सा स्ट्रेचेबल मटेरियल है। मैंने इसमें एल साइज ऑर्डर किया था,
अच्छा, मैं साइज भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसमें साइजेस बहुत अलग अलग सेलर्स हैं, तो साइजेस बहुत अलग अलग है। तो मैंने इसमें एल साइज ऑर्डर किया था। जब भी मैं बॉडीकॉन ड्रेस लेती हूँ मैं हमेशा एक साइज बड़ा खरीदती हूँ, तो मैंने उसका जब डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था तो मुझे लगा कि मुझे एल आएगा, लेकिन एल मुझे लूज हो रहा है, यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। तो मैं इसे एक्सचेंज करके इसमें एम साइज ऑर्डर करने वाली हूँ। इसमें मुझे बेस्ट चीज़ ये लगी कि इसका जो शेप बहुत अच्छा है, नीचे फ्रिल डिटेलिंग है, स्लीव्स बहुत परफेक्ट है, और ये ऐसी ड्रेस है जो आप एज अ फॉर्मल वेयर भी पहन सकते हो अगर आपने इसको ब्लेजर के साथ स्टाइल किया है जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और इसमें बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, बहुत ही सूदिंग सी ये ड्रेस है। और देखो इसमें नीचे ऐसे इस तरीके के फ्रिल डिटेलिंग है और कलर इज वेरी नाइस। पहनने पे ये बहुत कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल मटेरियल है, तो इसे मैं रेटिंग दूंगी 9 आउट ऑफ 10। 1 मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि हल्का सा और ये थिक हो सकता था मटेरियल, ओनली बिकॉज ऑफ दैट आई एम गिविंग इट 9 आउट ऑफ 10। अब नेक्स्ट जो मैं ड्रेस बात कर रही हूँ वो है ग्रीन कलर में। इनफैक्ट इसमें भी मुझे याद है कि और भी कलर्स अवेलेबल हैं, बट मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये जो है ये स्मोक डिटेलिंग के साथ है, आगे और पीछे दोनों तरफ में इसकी स्मोक डिटेलिंग है। इस तरीके की फ्रिल स्लीव्स है इसमें, इस तरीके की, और यहाँ पे भी इस तरीके का इसका मतलब स्क्वायर नेक आ रहा है पहनने पे, और इस तरह से इसकी स्लीव्स है। ये इसकी लेंथ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और इसके नीचे जो है फ्रिल डिटेलिंग है, और अच्छा मटेरियल है ये। मतलब मैं कह सकती हूँ ये पॉलिएस्टर मटेरियल है, तो पॉलिएस्टर का जैसा कंफर्ट लेवल होता है और जिस तरीके का क्वालिटी होती है उस तरीके से इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर मैं कहूँ कि पॉलिएस्टर मैंने और भी ब्रांड से लिया है, तो अगर मैं उसको दिमाग में रखूँ तो मैं इसे 10 में से 9 दूंगी। फिर भी मैं एक नंबर इसलिए काट रही हूँ क्योंकि इसका जो ये वाला जो इलास्टिक है ये हल्का सा जैसे विजिबल है, थोड़ा सा, मतलब इसे पहनने के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देख रहे हो आप, ये हल्का सा विजिबल विजिबल है, या तो हो सकता है ये प्रेस करने के बाद शायद ये ऐसा विजिबल ना हो अभी क्योंकि ये थोड़ा सा मुड़ तुड़ सा गया है, तो ये भी हो सकता है। मैंने इसको प्रेस करके नहीं देखा है, लेकिन वैसे अगर मैं देखूँ तो लेंथ बहुत अप्रोप्रिएट है, कहीं पर भी आप पहन सकते हो। स्मोक डिटेल की जो ड्रेसेस है आजकल बहुत इन भी है, सो वो भी अगर आप दिमाग में रखोगे तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और इसमें भी कलर्स भी अवेलेबल है और कंफर्ट, अच्छा कंफर्ट है, अच्छी ये ड्रेस हो सकती है और बहुत ही अमेजिंग रेंज में ये अवेलेबल है। अब मैं जो आपके साथ प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लग रही है। पहले मैं आउटफिट दिखा दूँ आपको, तो ये है एक डेनिम स्कर्ट जिसमें दोनों तरफ पॉकेट बनी हुई है, सामने पूरी इसमें बटन डिटेलिंग है, जैसे डेनिम में डेनिम्स में बटन होते हैं उसी तरीके के पूरे फ्रंट पे एंड तक इसके बटन्स हैं इस तरीके के, और ये पूरी मतलब थोड़ी सी ऊपर से हल्की सी फिटेड है, फिर इसमें पूरा फ्लेयर है, और इस तरीके की बेल्ट डिटेलिंग है। अगर आप बेल्ट पहनना चाहो तो बेल्ट भी डाल सकते हो, और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, मतलब नी से थोड़े से नीचे की लेंथ है। अब मैं इस प्रोडक्ट की खास बात ये मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप वेस्टर्न वेयर पहनते हो लेकिन आप थोड़ा सा डिसेंट साइड में जाना चाहते हो, मतलब यू डोंट वॉन्ट टू वेयर समथिंग विच इज़ वेरी फिटेड और बहुत ही मतलब बॉडी हगिंग टाइप का नहीं पहनना चाहते हो, लेकिन डेनिम स्कर्ट्स आजकल बहुत इन है, सो आपको दोनों ही इसमें पर्पज सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आप डेनिम स्कर्ट भी पहन लोगे और एट द सेम टाइम इट वुड बी वेरी मॉडेस्ट। तो कीपिंग दैट इन माइंड ये मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। प्राइस जो है मुझे इसका प्राइस पड़ा है 538 रुपीज़, और दूसरा प्राइस भी मेंशन कर दूंगी। और इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी और फिटिंग में मुझे थोड़ा सा कमर से लूज हो रहा है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको सिर्फ ऊपर से यहाँ से ही एक छोटा सा ऐसे टुक सा लगवा दूँ दोनों तरफ, क्योंकि नीचे से फिटिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट है आप देखो स्क्रीन पे, और सिर्फ मैं सोचू ऊपर से इसको थोड़ा सा फिटिंग करा दूं। लेकिन आप मुझे सजेस्ट करो कमेंट बॉक्स में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं उसे एक्सचेंज करके दूसरा साइज पिक करूं या इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर से फिटिंग करा लूं। बट ये वाला जो मुझे स्कर्ट है ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वही है मैं हमेशा देखती हूँ कि आउटफिट ऐसा होना चाहिए जो मुझे पहनने के पहले ज़्यादा सोचना ना पड़े, मतलब मैं कहीं पे भी पहन सकूँ, मतलब मार्केट गए वहाँ भी पहन लूँ, मैं किसी के बर्थडे में भी पहन लूँ, अच्छा सा कोई टॉप के साथ, मतलब मैं उस तरीके से सोचती हूँ। तो कभी कभी तो मैं ऐसे आउटफिट लेती हूँ जो बहुत स्पेसिफिक ओकेजन्स में ही पहन सकते हैं, बट यूजुअली मैं कैजुअल वेयर में ऐसे आउटफिट पिक करना पसंद करती हूँ जो मैं मल्टीपल जगहों पर पहन सकूँ बहुत ही कम्फर्ट लेवल के साथ। तो वो इस प्रोडक्ट के साथ मैं कहूंगी कि ये 10 on 10 है, कीपिंग इन माइंड ऑल दी एस्पेक्ट्स। आई हैव सीन सो मैनी कॉन्टेंट क्रिएटर्स वेयरिंग
oversized t-shirts and sharing those t-shirts with the subscribers and viewers. तो मुझे लगा मैं भी ट्राई करती हूँ कैसे ओवर साइज टी शर्ट्स आती हैं. सो मैं आपको तीनों का फीडबैक, बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक देने वाली हूँ. सबसे पहले मैं बात करूँ ब्राउन वाली टी शर्ट की, तो जितना इसका प्राइस है ना उतना ही उसकी क्वालिटी है. मतलब ये ऐसी टी शर्ट है जो आप सिर्फ घर पे पहन सकते हो. ये देख रहे हो बिल्कुल, मतलब ना हल्का सा मटेरियल है, ये देखो पतला सा मटेरियल देख रहे हो ना, एकदम सी थ्रू टाइप का है ये. मतलब सी थ्रू नहीं बोलेंगे, मतलब पतला है, क्योंकि डार्क कलर तो सी थ्रू नहीं है लेकिन पतला मटेरियल है. तो मतलब समर्स में अगर आप पतली सी टी शर्ट पहनना पसंद करते हो तो ठीक है. वैसे इसकी जो क्वालिटी मैं कहूँगी, अगर मैं क्वालिटी को दिमाग में रख के इसको रेट करूँ, मतलब कपड़े को दिमाग में रख के, तो मैं इसे सिर्फ 6 दूंगी 10 में से, क्योंकि मुझे इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आया. मतलब मैं ये नहीं रखूँगी, आई हैव टू रिटर्न इट. तो ये वाला, इसके इसके सामने इस तरीके का कुछ कुछ लिखा हुआ है, कुछ तो समथिंग न्यूयॉर्क करके कुछ लिखा हुआ है. और इसकी जो ओवर साइज टी शर्ट में होता ये है कि आप अपना ही साइज खरीदते हो लेकिन वो आपको लूज फिटेड होती है. तो मैंने इसमें मेरा ही साइज खरीदा था, लेकिन ये लूज फिटेड नहीं है, ये हल्की सी नीचे से एकदम मतलब टाइट फिटेड है. मतलब वैसा वाला लुक नहीं आ रहा है जैसा आना या जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था. सो कि अगर आपको सिर्फ घर पे पहनने के लिए लेना है या शाम को सिर्फ वॉक करने के लिए लेना है तो आप ले सकते हो. अदरवाइज बाहर पहनने के मतलब उस बाहर पहनने के मैं कहूँगी लायक नहीं है ये टी शर्ट. अब मैं नेक्स्ट टी शर्ट की बात कर रही हूँ, विच इज़ वाइट टी शर्ट, जिसमें एक पांडा बना हुआ है पीछे, ओ सॉरी आगे पांडा का इस तरीके का प्रिंट बना हुआ है और पीछे बिल्कुल प्लेन है. इसका भी वही सेम फीडबैक है जैसे ब्राउन वाली टी शर्ट का था. सो अगर आपको घर पे पहनना है, ऐसे ही इवनिंग वॉक के लिए पहनना है तो फिर ठीक है. मैं बहुत ज़्यादा आप ऐसे ही जगह रहते हो जहाँ बहुत गर्मी होती है, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल पतला सा कुछ चाहिए तो आप ये पहन सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल मत लेना. मतलब इसे भी मैं 6 ही दूंगी आउट ऑफ 10. थर्ड टी शर्ट की बात करूँ तो थर्ड टी शर्ट बाकी दो टी शर्ट से थोड़ी फिटिंग में बेटर आई है और थोड़ा सा कपड़ा उससे बेटर है. फिटिंग में क्यों बेटर कह रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी लूज है, आप देख रहे हो ना ये लूज है, इसमें सामने कुछ कुछ लिखा हुआ है. ऐसी जो सेम इस तरीके की टी शर्ट आपको अमेजोन में मिल जाएगी, मेरे ख्याल से मिंत्रा में मिल जाएगी, लेकिन मुझे उनकी क्वालिटीज का आइडिया नहीं है, मैंने कभी नहीं मंगाया. तो मैंने पहली बार ये मीशो से ही मंगवाया है और इसकी जो जो फिटिंग है वो दोनों बाकी दो टी शर्ट से बेटर है, लेकिन मटेरियल वही पतला है, उतना ज़्यादा थिक नहीं है, बट उन दो टी शर्ट से थोड़ा सा बेटर है. तो मैं इस प्रोडक्ट को दूंगी 7 out of 10. हाँ, इसके अलावा एक और मैंने बॉडीकॉन ड्रेस ली थी जो मेरी अभी धुलने डली हुई है, बहुत ही अच्छा उसका मटेरियल है, मतलब लाइक्रा मटेरियल है, थोड़ा सा थिक मटेरियल है, फिटिंग बहुत अमेजिंग है और उसे मैं दूंगी 10 out of 10. उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आपको वो लेनी हो तो आप डेफिनेटली लीजिए. उसमें भी तीन कलर्स, मतलब तीन कलर पैलेट अवेलेबल हैं. और इसके अलावा मैंने एक वेलवेट का सूट आपके साथ शेयर किया था जो मैं 10 में से 10 उसे दूंगी. इतना प्यारा मटेरियल है उसका, उसका ट्राउज़र बहुत अच्छा है, ट्राउज़र आप अलग से भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी कलर्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं. और इस प्राइस रेंज में 738 का वो मुझे पड़ा था और उस प्राइस रेंज में बहुत अमेजिंग वेलवेट का वो सूट है, तो वो भी मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स में से एक मानती हूँ उसे. सो दैट्स इट फॉर दिस हॉल वीडियो. अभी रिसेंटली मैंने एक लिबास हॉल वीडियो भी डाला है, वो भी ज़रूर देखना, बहुत अच्छे लिबास के सूट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. और इसके अलावा भी कुछ और भी अगर आपको रिकमेंडेशंस देनी हो तो आप ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के. और आने वाले टाइम में मैं एक आजियो हॉल प्लान कर रही हूँ स्पेशली फॉर योर ट्रैवल आउटफिट्स. दैट इज़ व्हाई यू ऑल्सो हैव टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी ऑफ माई वीडियोज़. एंड टेक केयर, बाय.